हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि बेसन और सूजी का नाश्ता कैसे और किस तरह बनाया जाता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनता है और यह नाश्ता बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने लिया हुआ है एक खाली बाउल। बाउल के अंदर डालेंगे हम एक कटोरी सूजी, एक कटोरी बेसन। आप अपने बेसन और सूजी की इतनी ही क्वान्टिटी लें, ना ज़्यादा और ना ही कम। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूँगी पानी। हमें पानी से इसे इसका घोल बना लेना है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देने हैं। आपको इसका बिल्कुल पतला घोल बनाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको इसका बिल्कुल पतला ही घोल बनाना है। तो देखिए, आपको इसका ऐसा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और जो इसमें ये गुठलियाँ हैं, इन्हें हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। इसे हम धीरे धीरे बिल्कुल मसल मसल के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने देने हैं। अगर इसमें लम्स रह गए तो आपका नाश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे अपने खाली कढ़ाई। तो देखिए, मैंने खाली कढ़ाई ले ली है और अब मैं अपनी गैस को ऑन कर लूँगी। और जो मैंने बैटर बनाया है, जो हमने सूजी का और बेसन का घोल बनाया है, वो अपनी कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी और इसमें हाफ ग्लास पानी और डाल दूंगी। और अब अपने घोल को मैं इसी तरह हिलाती रहूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमने अपने घोल को अपनी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे इसे इसी तरह पकने दूंगी। तो देखिए, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूंगी, क्योंकि यह काफ़ी टाइट डो बनकर तैयार होगा। और हमें सूजी को और बेसन को पानी में पकाना है। नाश्ते तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर ये नाश्ता आप बनाकर खाएंगे तो आपके बच्चे इस नाश्ते को बार बार मांगेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और जल्दी तो बनता ही है, साथ में यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भी बनता है। आपको इसे बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है, धीरे धीरे इसी तरह हिलाते रहना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये काफ़ी टाइट हो रहा है। आपको धीरे धीरे इसे इसी तरह हिलाते रहना है और यह इसी तरह टाइट हो जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं, इसका डो बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो, और इसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी टाइट डो बन चुका है। और धीरे धीरे हम इसी तरह इसे हिलाते रहेंगे तो ये अपने आप ही कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। तो देखिए, हमारा ये डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपने छोटे छोटे प्याज काट लेते हैं, जो कि हमें इसके अंदर ऐड करने हैं। आपको प्याज बिल्कुल छोटे छोटे काटने हैं, ज़्यादा मोटे बिल्कुल नहीं काटने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो काफ़ी टाइट हो चुका है, आप देख चुके हो। हमारा बेसन और सूजी अच्छे से पक चुका है और उसने कढ़ाई को भी बिल्कुल छोड़ दिया है। यह एक तरफ अपने आप ही इकट्ठा हो रहा है। और अब मैं इसे अपने चमचे से उतार कर इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया हुआ है गरम मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। इससे आपके नाश्ते का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और यह खाने में भी बहुत तीखी होती है, इसलिए आप इसे कम ही यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल ना डालिएगा। और ये इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और हाफ टी स्पून इसमें सब्जी मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इसमें आप डालेंगे जो आपके पास सब्जियां हैं वो। मैं सब्जियों में डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने ये टमाटर बारीक काट रखे हैं, और बारीक कटे हुए प्याज, और ये मैंने कुछ धनिया की पत्ती ली हुई है जो कि मैंने बारीक काट रखी हैं। और नमक मैंने इसमें पहले ही ऐड कर लिया था। नमक आप इसके अंदर बाद में डालना चाहो तो बाद में डाल सकते हैं, या फिर साथ के साथ भी डाल सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें धनिया की पत्ती और टमाटर और प्याज डाल लिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर ये आपके हाथों पर चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे, आई मीन रिफाइंड ऑयल। और आपको अपने डो के अंदर सभी मसाले और सभी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो देखिए मैंने इसका बहुत ही अच्छा डो बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। और यह ऑयल लगाने के बाद अब आपके हाथों पर चिपकेगा भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो चुका है। इसे गोल गोल टिक्कियों के आकार में बना लूँगी, या फिर आप इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आप इसे सिलेंडर के आकार में बना सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते को टिक्की के आकार में बनाऊंगी, गोल गोल इस तरह लेकर। तो देखिए इसे मैं थोड़ा सा चपटा कर लूँगी और इसे चारों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार मैं अपनी सभी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं, आपको इसे फटी हुई बिल्कुल नहीं छोड़ना, चारों तरफ से बिल्कुल चिकना कर लेना है। और इसी प्रकार मैं अपनी सभी नाश्ते बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे इस तरह बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसको कोई भी आकार दे सकते हैं, आप सिलेंडर आकार में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे गोलाई में बनाया है। अब हम अपने तेल की तरफ चलते हैं। हमने ऑयल रख लिया था अपनी गैस पर और वो काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम एक एक करके अपनी कटलेट सभी इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके कटलेट इसमें 5 से 6 कटलेट डाल दिए हैं और धीरे धीरे हम इसे इसी तरह पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो चुका है। अब मैं इसे धीरे धीरे पलट लूँगी। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे डालते ही बिल्कुल नहीं पलटना है। अगर आप इसे डालते ही पलटोगे तो यह फट जाएंगी और यह अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं सिकेंगी। तो आपको इसे जब यह अच्छे से पक जाए तभी इसे पलटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। आपको इसे धीरे धीरे इसी तरह सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया हुआ है। मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए, आपको अपने नाश्तों का ऐसा ही कलर रखना है। तो देखिए हमने अपनी कटलेट को दोनों तरफ से सेक लिया है और ये खाने में जितनी ये दिखने में अच्छी दिख रही है, अपने खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगेगी। तो देखिए बन चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन में कितना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। और फ्रेंड्स, कमाल की बात तो यह है, यह बहुत ही फटाफट और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको सुबह के टाइम में इसे जल्दी बनाना है तो शाम को ही आप इसका पेस्ट बनाकर तैयार करके रख दीजिएगा और सुबह उठकर इसे इसी तरह फ्राई कर लीजिएगा। आपको ज़रूरी नहीं कि आप भी मेरे ही जितने ऑयल में इसे फ्राई कीजिए। आप इसे हल्के हल्का हल्का ऑयल डाल के तब भी फ्राई कर सकते हो, क्योंकि यह कम तेल में भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह उसमें डिप कीजिएगा और आप इसे इंजॉय कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। यम्मी, यह बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।